हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल होलिस्टिक हीलिंग। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे खाने में मीठे का बहुत बड़ा रोल है और हम में से कई लोगों की आदत भी होती है कि खाने के बाद कुछ मीठे में जरूर खाना होता है। और ये एक नेचुरल क्रेविंग है क्योंकि हम खाने में कई तरह के टेस्ट चखते हैं और स्वीट टेस्ट से हम उसको एंड करना चाहते हैं क्योंकि स्वीट टेस्ट बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग और कूलिंग होता है। बट मीठे में भी हम लोग दोस्तों क्या खाते हैं, या तो कभी लड्डू खा लेते हैं, खीर खा लेते हैं, रबड़ी खा लेते हैं, हलवा खा लेते हैं। बट ये सब चीज़ें दोस्तों रोज़ तो अवेलेबल होती नहीं है और अगर ये रोज़ हम लोग खाने भी लगे तो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ऊपर से इनमें इतनी मात्रा में शुगर होता है कि अगर हम इसे रोज़ खाने लगे तो हमारी कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। तो इसका अच्छा अल्टरनेटिव क्या है जो कि हमारी हेल्थ के साथ खिलवाड़ भी ना करे और हमें उल्टा बेनिफिट भी दे? और वो दोस्तों हम जानते हैं क्योंकि वो भी हमारी डाइट का बहुत ही बड़ा हिस्सा है, बट हम उसे रोज़ अपनी डाइट में ऐड नहीं करते। उसके हेल्थ बेनिफिट्स इतने ज़्यादा हैं और इतना ज़्यादा वो प्रोड्यूस होता है इंडिया में और इतना सस्ता भी है कि हर कोई उसे कंज्यूम कर सकता है। वो दोस्तों आप जानते हैं जो कि है गुड़ या फिर जैगरी। गुड़ दोस्तों हमारे देश में कई सालों से यूज़ होता आया है, फिर चाहे वो कोई भी स्वीट हो, चाहे हलवा हो या फिर लड्डू हो या फिर खीर हो या फिर रबड़ी हो या फिर चटनी हो या फिर अचार हो, हर चीज़ में गुड़ यूज़ होता था पहले। और कई बार लोग इसे पेट भरने के लिए भी यूज़ करते थे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फिलिंग होता है और कई समय तक हमें भूख भी नहीं लगती है इसको खाने के बाद। आज भी कई इंडिया के गाँवों में और कई ऐसे घरों में इसे ही गुड़ को बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज़ किया जाता है और उसके बेनिफिट्स लिए जाते हैं। तो हमें फिर से एक रिवाइव लाने की ज़रूरत है, एक चेंज लाने की ज़रूरत है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा शुगर वाली चीज़ों को गुड़ से रिप्लेस करें और एक नई हैबिट को अपने अंदर ऐड करें। चलिए उतनी नहीं, बट अगर हम एक छोटी सी आदत जो कि है कि हर एक मील के बाद हम थोड़ा सा गुड़ खाएंगे, ये बहुत ही छोटी सी आदत हमारी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला सकती है, हमारी हेल्थ में बहुत बड़ा चेंज ला सकती है और हमें कई डिजीज़ से बचा सकती है। अब जानते हैं दोस्तों कि गुड़ हमारे बॉडी के लिए क्यों अच्छा है, क्या क्या बेनिफिट्स ये दे सकता है हमारी बॉडी को। दोस्तों, इंडिया में ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम है इनडाइजेशन, कि खाना सही से ना पचना, और इसका मेजर कॉज है कि हमारी बॉडी में, हमारे पेट में सही से डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं सिक्रेट होते, सही हीट प्रोड्यूस नहीं होती जिसकी वजह से हमारा खाना सही से पच नहीं पाता है। तो यहाँ हेल्प करता है दोस्तों गुड़। अगर हम खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खाते हैं तो वो नेचुरली उष्ण होता है या गर्म होता है, तो जब वो अंदर जाता है स्टमक में तो वो हीट प्रोड्यूस करता है और डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है जिससे कि डाइजेशन प्रॉपर हो पाता है और कई डाइजेशन प्रॉब्लम जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, गैस, ब्लोटिंग सब खत्म कर देता है। तो जिनका डाइजेशन अच्छा नहीं है उनके लिए गुड़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, एक न्यूट्रिएंट जिसकी बॉडी में सबसे ज़्यादा डिफिशियंसी है आजकल, वो है आयरन। आयरन बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आयरन की वजह से हीमोग्लोबिन बॉडी में बनता है और आयरन डिफिशियंसी का मेन कारण है हमारी फूड हैबिट्स, हमारी डाइट, जिससे कि आयरन प्रॉपरली बॉडी को नहीं मिल पाता है और बॉडी में ऐसी कमी आती है। बट यहाँ पे अच्छी बात यह है कि अगर आप गुड़ खाएंगे तो गुड़ में अच्छी मात्रा में आयरन होता है जो कि बॉडी में इस कमी को दूर करेगा और अच्छे से हीमोग्लोबिन बनाएगा जिससे कि एनीमिया की प्रॉब्लम भी दूर होगी। एक और प्रॉब्लम जो हमारे देश में है और आजकल जो बहुत ही यंग एज में हो रही है वो है ओबेसिटी। ओबेसिटी का मेन रीज़न है इनडाइजेशन और टॉक्सिन्स का बॉडी में जमा होना। जब दोस्तों हमारा फूड सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है तो वो बनाता है टॉक्सिन्स या आम, और वो बॉडी में स्टोर होने लगता है धीरे धीरे, और ऐसा रेगुलर होने पे धीरे धीरे यही बॉडी में मोटापे का कारण होता है। बट अगर हमारा डाइजेशन अच्छा हो, स्टूल्स अच्छे से पास हो जाएँ, टॉक्सिन्स बॉडी में रहे नहीं, तो ओबेसिटी भी नहीं रहेगी। तो ऐसा पॉसिबल है गुड़ से। गुड़ एक नेचुरल क्लेंजर है, वो हमारी डाइजेशन भी अच्छा करता है और बॉडी को टॉक्सिन्स फ्री भी करता है जिससे कि हमारा नेचुरल बॉडी वेट भी मेंटेन हो पाता है। अब दोस्तों बात करते हैं इम्यूनिटी की। दोस्तों, गुड़ में जिंक, सेलेनियम जैसे कई सारे ट्रेस मिनरल्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, और कई सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं जो कि ओवरऑल इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि विंटर्स में जब हम गुड़ या गुड़ वाले प्रोडक्ट्स खाते हैं तो हमें कोल्ड या कफ ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि हमारी इम्यूनिटी को वो स्ट्रॉन्ग करता है, और अगर हम इसे डेली कंज्यूम करें तो हमारी इम्यूनिटी नेचुरली स्ट्रॉन्ग रहेगी और कभी ख़राब होगी ही नहीं। दोस्तों, इसके अलावा इसमें कई तरह के मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, जो कि हमारे और ज़्यादा बॉडी की हेल्थ जैसे कि लंग्स, लिवर, हार्ट, किडनी, स्किन
ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और प्रॉपर बॉडी फंक्शन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब ये तो बात हो गई दोस्तों बेनिफिट्स की, अब बात करते हैं कि अगर हम गुड़ खरीदने जाते हैं तो हम कैसे पहचाने कि कौन सा गुड़ नेचुरल है, कौन सा गुड़ हेल्दी है और कौन सा ख़राब है। क्योंकि एडल्ट्रेशन की वजह से कई तरह के ऐसे गुड़ मिल रहे हैं मार्केट में जो कि हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। उन्हें कंज्यूम करने से बेनिफिट्स तो कुछ नहीं मिलेंगे बल्कि और प्रॉब्लम्स ही क्रिएट होंगे। तो दोस्तों अगर हमें मार्केट में ऐसा गुड़ दिखता है जिसका प्रॉपर शेप हो, जो लाइट ब्राउनिश कलर में हो या फिर येलोइश कलर में हो, जिसको टच करने पर थोड़ा चिकना जैसी फीलिंग आती है और थोड़ा सस्ता आता है वो, तो वो गुड़ हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है क्योंकि वो केमिकली ट्रीटेड होता है। ये एक तरह का मार्केट गिमिक है जिसमें गुड़ को बहुत ही सुंदर दिखाया जाता है और ऐसा दिखाया जाता है कि बहुत ही अच्छा गुड़ है, बल्कि ऐसा नहीं है। वो केमिकली ट्रीटेड होता है और जिसे हम खाएंगे अगर तो उल्टा प्रॉब्लम्स ही आएंगे और उसका टेस्ट भी थोड़ा सॉल्टी टाइप का होता है कई बार, जिससे पक्का प्रूव हो जाता है कि वो केमिकल्स से धोया गया है। और अगर हमें कोई गुड़ दिखता है जो कि थोड़ा डार्क ब्राउन कलर में हो, उसकी हो सकता है शेप प्रॉपर ना हो, हार्ड होता है थोड़ा, और अगर हम दुकानदार से ये पूछे कि हमें देसी गुड़ दे तो वो गुड़ हमें देगा, वो थोड़ा महंगा आता है बट वही ओरिजिनल गुड़ है मेनली, और स्वाद में बहुत ज़्यादा वो अलग और अच्छा होता है और कई बार हमें उसमें शुगर केन का स्वाद भी आता है, तो वो गुड़ लेना और खाना ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए। वो गुड़ असली में हमें बेनिफिट्स देने लायक है। और ख़रीदने से पहले दोस्तों हम टेस्ट करके भी देख सकते हैं ताकि हम सही चॉइस कर पाएँ। और अगर दोस्तों आप मार्केट से नहीं खरीदना चाहते तो आप ऑनलाइन शॉप से भी खरीद सकते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन, उनमें भी कई सारे ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं देसी गुड़ के जो कि हम आराम से खरीद सकते हैं। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने एक दो ऑप्शंस नीचे लिंक में दे दिए हैं जिसको आप देख के चेक कर सकते हैं और अगर आप लेना चाहें उसे वहाँ से ले सकते हैं, जो कि 100% नेचुरल है और प्रॉपर नेचुरल तरीके से बनाए गए हैं, तो उनमें कोई भी एडल्ट्रेशन का खतरा नहीं है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके उसे चेक कर सकते हैं। तो होप दोस्तों आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा, कुछ समझा होगा और आशा करता हूँ कि आप भी इस आदत को अपनी लाइफ में ज़रूर ऐड करेंगे क्योंकि ऐसी ही छोटी छोटी हैबिट्स ही हमारी लाइफ में बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। तो तब तक के लिए बस थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर देना और अगर आपके कोई सवाल हैं या सुझाव हैं तो उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। इस वीडियो को शेयर करिए अपने यार दोस्तों के साथ, अपने फैमिली में, और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए गुड बाय। Take care.